लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहना है लोगों को इसको लेकर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग के लिए यहाँ पर आए हो। मेन मुद्दा है बिजली का। पिछले 5 दिन से लाइट बिल्कुल रेगुलर बंद है और जो यहाँ का स्टाफ है बिल्कुल काम नहीं करता। कोई इनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। लोग इनसे फ़ोन पे बात करते हैं, बात नहीं करते, मिसगाइड करते हैं लोगों को। कोई कहता है किसी की ड्यूटी है, कोई कहता है किसी की ड्यूटी है। मौजूद आदमी फ़ोन करते हैं उनको भी ये मिसगाइड करते हैं। दूसरी समस्या क्या है, यहाँ पे जो लाइन है वो बहुत पुरानी लाइन है, सारी तारें पुरानी हैं। थोड़ी सी भी हवा में तार टूट जाती है, अगर ये कट करके ना उसको स्विच को काम नहीं करते, बहाना है जी तार टूट गई है, फॉल्ट है। हमारा तो इनसे अनुरोध है पहले तो इसको लाइट को सुचारू रूप से चलाया जाए और जो ये टपरियों नया पावर हाउस बनाया है इसमें जो भी फीडर की पुरानी तारें हैं सभी तारों को बदला जाए। और टपरियों गांव ने ये इसके लिए पावर हाउस के लिए जगह दी थी, इसको अर्बन मोड में डाला जाए, मानकडबरा जो एक पहाड़वाड़ा आसपास के गांव है, ताकि यहाँ पर अननेसेसरी कट ना लगे। जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री है उसको तो उन्होंने अर्बन मोड में डाल रखा है। 24 घंटे लाइट चलती है, गाँव वालों को लाइट नहीं मिलती। जो हमारे ट्यूबवेल के फीडर हैं एपी फीडर वो तो चलते ही नहीं। जिम्मेदारों के पौधे बिल्कुल सूख गई, बुरा हाल है। ट्यूबवेल की लाइट 1 घंटा भी नहीं आती और इनका जो जेई है बहुत बदतमीज़ है। इच्छे के जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते। जेई को भी बुलाया, वो आने से मना कर रहा है। हमारा अभी एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारी डिमांड है ट्रांसफ़र ना किया जाए, तुरंत सस्पेंड किया जाए, कोई अच्छा काम करने वाला जेई यहाँ लगाया जाए। सबसे पहले बिजली चलाई जाए, उसके बाद जैसे रिलैक्स मोड हो इस पावर हाउस के जितने भी फीडर हैं सबकी वायरिंग चेंज की जाए। वायरिंग बहुत पुरानी है। लोगों की समस्या को सुनने के लिए व्हाट्सएप के जो हैं ग्रुप्स बनाए गए हैं बिजली विभाग के द्वारा, आप सभी साथी भी उनमें ऐड हैं, तो किस तरह का रिस्पांस है वहाँ पे? जब आप लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं तो क्या कुछ रिप्लाई आप लोगों को देखने को? SDO साहब का तो है रिस्पांस ठीक आता है, बाकी जीरो है। बाकी स्टाफ कोई लाइनमैन है, कोई फोरमैन है, कोई GI है, जीरो रिस्पांस है, उल्टा मिसगाइड करते हैं। अच्छा, सारे स्टाफ के फोन स्विच ऑफ हैं, ये सिर्फ व्हाट्सएप और व्हाट्सएप कॉल करते हैं। जेई का भी स्विच ऑफ, जेई तो निकम्मा है जी, जेई का तो आज ही है। अगर जेई फोन करते क्यों, कहता ये फोन करते क्यों? जेई ये कहता 8 दिन बाद भी लाइट बंद है ना, तो ये कहता हमने फोन कर लिया। कहे ये लेडीज फोन करती क्यों, क्या करें? और क्या पत्थर बजाए उसके सिर में? खेतियां सूख गई सारी, कहना गरीब आदमी पानी नो, ये पौध नो तरस रहे हैं, है नहीं कोई भी सिर चकने वाला। और देखो वो जो तूफान आया ना, सबसे पहले लाइट फैक्ट्री वालों की चालू करी, सबसे पहले लाइट फैक्ट्री वालों की लाइने चालू करी गई। क्यों भाई? जो यहाँ जिम्मेदार है बेचारे एक एक एकड़ के, वो जिम्मेदार नहीं है, रोटी नहीं दे रहे इनको, बताओ क्या कर रहे हैं? जिमीदार हो तो जो दे रहे हैं अन्न कमा के, उनकी लाइट नहीं ठीक हुई। एक हफ्ता हो गया लाइट, और वो जो घर वाली लाइट कहते हैं ना ये 24 घंटे देते हैं, साली 1 घंटा नहीं आती। हाँ 1 घंटा हवा 1 घंटे में चली जाती है, आई 2 मिनट चली जाती है। और बिल के पलंदे 50,000 फोन बिल दे रहे हैं हम लोग, मैं खुद दे रही हूँ बिल इतने। यहाँ से उठना नहीं है, आराम से बैठो जब तक हमारा हल नहीं होता। मैं भी बैठूंगी तुम्हारे साथ। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? देखिए, हमारे एरिया में जो टपरियो कंडई वाला पावर हाउस है, इसमें पिछले 5 दिन से हमें लाइट की बड़ी समस्या आ रही है। हमारे एरिए में पिछले 5 दिन से किसी भी गाँव में रेगुलर लाइट नहीं आ रही है। 24 घंटे के कट लग रहे हैं, उसमें कुछ घंटे 1-2 घंटे लाइट आ रही है और बाकी 24 घंटे में 20 घंटे या 22 घंटे का कट लग रहा है, नॉर्मल बात है। उसके साथ साथ अभी फसल का टाइम है, धान की बुआई का समय चल रहा है, ट्यूबवेल की कोई लाइट नहीं आ रही। पिछले 5 दिन से बिल्कुल भी लाइट 1 घंटे के लिए भी लाइट नहीं आ रही है, जो ट्यूबवेल वाली लाइट है। उसके साथ साथ जब भी हम हमारे मौजूद आदमी सरपंच साहिबान या हमारे ब्लॉक समिति मेंबर जब भी ये मौजूद आदमी कोई गांव से जेई को जो चांदराम जेई है उसको फ़ोन करता है तो मिसबिहेव और मिसटॉक करता है और कोई भी सफिशिएंट जवाब नहीं देता और ना ही समस्या का हल करने के प्रति उसका कोई रुझान है। जब इसकी शिकायत हमने बड़े अधिकारियों से की तो SDO साहब ने खुद मौके पर बताया कि चांदराम बड़ा निकम्मा जेई है और हमारे एरिए के लिए अच्छा जेई नहीं है, जो काम करके राजी नहीं है। ये बिल्कुल जब हमारे सरपंच साहब ने फ़ोन किया उसके साथ भी मिसबिहेव किया, मिसटॉक की,
उसके लिए आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं और सारे हमारे ग्रामीण अंचल से लोग, सभी गांवों से लोग यहाँ पे, पंच, सरपंच, मौजूदा ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, सभी आए हुए हैं। अभी तक क्या बातचीत हुई है अधिकारियों? अभी जो हमारी अधिकारियों से, एक्शन साहब से और एसडीओ साहब से हमारी जो बातचीत हुई है, एसडीओ साहब मौके पे आए हैं, एक्शन साहब से टेलीफोनिकली हमारी बात हुई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जेई को हम सस्पेंड कर देंगे। अगर वो जेई को सस्पेंड करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी जो बिजली की समस्या है और हमें रेगुलर बिजली मिले, हमारा मेन मुख्य मांग है कि हमारी जो बिजली का फीडर है वो अर्बन मोड में डाला जाए ताकि गांव में 24 घंटे बिजली रहे। हमारे एरिया के लोग 24 घंटे बिजली के लिए बिल ऑलरेडी पे कर रहे हैं। हमारा एरिया डिफॉल्टर नहीं है, हमारे एरिया से बहुत कम ही लोग डिफॉल्टर हैं जो बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ हमारे एरिया से सभी लोग बिजली का समय पे बिल का भुगतान कर रहे हैं और इनका हक है बिजली के ऊपर ताकि 24 घंटे इस बिजली का उपभोग कर सकें। किन किन गांव से जो है लोग और महिलाएं यहां पे पहुंची हैं, जो पुरुष और महिलाएं? टपरियों, कंडईवाड़ा, लश्करीवाड़ा, ऊपरली भूट, निचली भूट, त्रिलोकपुर, मानखटाबरा, पारवाड़ा, श्यामपुर, ठड्डो, परौली, मुनादनगर, रामपुर, काफ़ी गांव से लोग आए हुए हैं जो इस समय मौके पे मौजूद हैं। कई सौ लोगों की भीड़ इस टाइम आप देख सकते हैं आपके कैमरे पे मौजूद है। तो अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, हमने अभी एक घंटे का इनको समय दिया है। अगर एक घंटे में हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ हम टपरियों पंचायत, टपरियों फीडर की सारी लाइनों को बंद करके गेट को ताला लगाने का काम हमारे साथी सब करेंगे।